लूट ही पूरे राज्य में लूट ही और लूट ही मची हुई है। जीपीएससी का तो आप सब लोगों को पता ही है, अभी भी आप सब ने देखा, क्योंकि जेपीएससी में एक तो एमआर सीट को सरकार जारी करना, जो गड़बड़ी हुई उसके पूरे मामले को सीबीआई से जांच करानी, जेपीएससी में जो चेयरमैन है उनको बर्खास्त करें, जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का उसका एग्जाम का एक रद्द किया, जेपीएससी का तो आप सब लोगों को पता ही है, अभी भी आप सब ने देखा कि जेपीएससी में किस प्रकार से घोटाला हुआ है, गड़बड़ी हुई है, ये तो सिद्ध हो चुका। जब नौजवानों ने सड़कों पर आंदोलन किया, उनको कागज लेकर के दिखाया, फिर पकड़ में आए तो 49 लोगों का जो रिजल्ट पास किया था उसको रद्द किया, और आज भी बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई सरकार नौजवान क्या मांग कर रहे, उनका विज्ञापन में भी था ओमर सीट को जारी करना, लेकिन ओएमआर सीट आज तक सरकार ये क्या कहते हैं आयोग ने जारी नहीं किया, और सबकी मांग शुरू से विधानसभा में भी हम सब लोगों ने उसकी प्रयास की भाई सरकार उस पर चर्चा करावे, लेकिन चर्चा करने से उस पर सरकार भागती रही, चर्चा ही नहीं कराए, बार बार विधायकों की ओर से चर्चा के लिए कर्ज स्थगन प्रस्ताव भी लाया गया, हम लोग चाहते थे उस पर चर्चा हो, गड़बड़ी किस प्रकार से हुई है, क्योंकि जेपीएससी में एक तो एमआर सीट को सरकार जारी करना, जो गड़बड़ी हुई उसके पूरे मामले को सीबीआई से जांच करानी, और दूसरा जो बोर्ड में जेपीएससी में जो चेयरमैन है उनको बर्खास्त करें, जो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका, जहां शिकायत हो वहां तो उन्होंने कुछ हटाया नहीं, लेकिन जहां शिकायत नहीं था वैसे उन्होंने कई एग्जाम को रद्द किया है। पिछले दिन आप सबको पता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो है यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का उसका एग्जाम का एक रद्द किया, कई एक विभाग में तो बच्चों ने जो एग्जाम भी दिया, परीक्षा सब प्रकार से औपचारिकताएं पूरी हो गई, सर्टिफिकेट भी उनका जांच वगैरह जितना भी होना था वो सब हो गया, सिर्फ नियुक्ति पत्र देना था, जैसे पंचायत सेवक है, सहायक लोक अभियोजक है, इस प्रकार की कई एक फिर अनुसूचित गैर अनुसूचित 11 जिला में हाई स्कूल के शिक्षकों की नियुक्ति है, जहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों ने हाई स्कूल से भी क्या कहते हैं कोर्ट से भी लोगों ने आदेश लेकर के आए, और उसमें भी एकाधिक विषय का तो बहाल किए, लेकिन बाकी मामला को लटका करके रखे, लटका के क्यों रखे हैं कि परे से बाहर है, लेकिन हमें तो साफ लगता है कि सरकार उस पर भी कहीं कमीशन के चक्कर में तो नहीं है, लोगों से वसूली के चक्कर में तो नहीं कि ताकि लड़के लोग फिर मिले उनसे, फिर लोगों से बात करें, फिर वसूली करें। तो ये पूरी तरह से झारखंड में जो स्थिति है सरकार की तो वो साफ दिखता है। तो आज जो झारखंड में सरकार है, पूरे लूट जिसको बोलते हैं, लूट ही पूरे राज्य में लूट यार लूट ही मची हुई है। तो मुझे लगा कि आपके समक्ष जो थोड़ी सी अद्यतन जो स्थिति उसके बारे में मैंने आप अपनी ओर से मैंने विषय को रखा है।